जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 34 इयर्स के लंबे इंतजार और 6 इयर्स के अंडर प्रोसेसिंग के पश्चात 29 जुलाई 2020 यानी बुधवार को देश की नई शिक्षा नीति लागू हो गई। इसमें स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो कि जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। इन नए बदलावों की कड़ी में अब बच्चे के एग्जाम और रिपोर्ट कार्ड का भी सिस्टम बदलने वाला है। जानिए अब जब सरकार ने तय किया है कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे तय होगी। नमस्कार, मैं कविता आप सभी का अपने YouTube चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस कंटेंट के माध्यम से मैं आप सभी के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नई शिक्षा नीति पर मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, उसकी जगह उन्हें प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा। अब ये छात्रों पर निर्भर करता है कि वे क्या विषय लेना चाहते हैं। अब वे इंजीनियरिंग के साथ संगीत भी ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में बहुत बदलाव होंगे। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। हमने उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया है, इसके लिए 4 काउंसिल भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मानव संसाधन मंत्रालय का केवल नाम नहीं नीति भी बदली है। नेक्स्ट वन, ये स्कूलों में अब बच्चों के प्रदर्शन को 3 स्तर पर परखा जाएगा। अब बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड बनेंगे, बच्चों का 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। इसमें पहले छात्र खुद आकलन करेगा, दैट्स मीन पहले सेल्फ असेसमेंट होगा, फिर सहपाठी आकलन होगा और तीसरा उसका शिक्षक आकलन करेगा। नेक्स्ट वन कि बच्चों के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। HRD मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति से हम संस्कार युक्त शिक्षा नीति बनाएंगे जो आज के समय की सबसे नितांत आवश्यकता है। इससे हम विश्व स्तर की शिक्षा नीति की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, बता दें कि भारत में 34 साल बाद पहली बार नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसमें सरकार ने हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार अब न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसमें ECE, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब 2 बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए, दैट्स मीन कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की टेंशन को कम करने के लिए बोर्ड तीन बार भी परीक्षा करा सकता है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परख सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उम्मीद है तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।